Hello friends, let us discuss the Aadhaar Act 2016. This act is also known as the Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies Benefits and Services Act 2016. This is part 3 of this discussion. And in this part we shall discuss section 15 to 21 related to unique identification authority of india its chairman members their and services etc friends if you are interested to watch similar type of videos at one place please go to the playlist of my channel there you can find various playlists containing similar type of videos at one place you may also join as a member of this channel for watching all videos before it is made public and also to view all videos of the channel including practice set videos and mock test videos to know more about the facilities for various type of members and how to join as a member please watch the link videos that is available in the last part of this video well, in the previous video, means video number 2 of Aadhaar Act, we have discussed section 11 to 14 related to United Identification Authority of India. So, as per these sections, the central government shall establish the unique identification authority of India for Aadhaar enrollment and authentication. The authority shall consist of a chairperson two part-time members and the chief executive officer. the chairperson and two part-time members must have experience and knowledge of at least 10 years in technology, governance, law, development, economics, finance, etc. the chairperson and members shall hold office for a period of three years and shall be eligible for every appointment. and no person shall hold office after the age of 65 years. ट्रल गवर्नमेंट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करेगा जिसका काम है कि आधार एलोटमेंट एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अथॉरिटी में रहेंगे एक चेयरपर्सन टू पार्ट टाइम मेंस प्लीज कीप इन माइंड पार्ट टाइम मेंीफ एग्जीक्यूटिव सो चेयरपर्सन और मेम्बर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रहना चाहिए टेन ईयर्स का टेक्नोलॉजी में गवर्नेंस में लॉ में इकोनॉमिक्स फाइनेंस में पब्लिक अफेयर्स में और जब एक बार चार में जाए सिलेक्ट हो जाए तो उनका टर्म तो ऑफिस रहेगा तीन साल के लिए वो रीअपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं सेकेंड टाइम लेकिन उनका मैक्सिमम एज लिमिट होगा 65, 65 फाइव के ईयर्स के बाद वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं सो दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द

जो वो बैंक हो जाएंगे सेकेंड फिजिकली और मेंटल इनकेपेसिटी जब वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रहेंगे काम करने के लिए थर्ड है कन्विक्शन इन एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टोर्टिट्यूट जब वो कोई ऑफेंस में इन्वॉल्व कन्विक्स हो जाएंगे जिनकी मॉरल टोर्ट्यूट होगा इस ग्राउंड में भी उनको निकाला जा सकता है और जो वो कोई फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एक्वायर करेंगे जो कि उनका फंक्शन के लिए नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ग्राउंड में भी उनको निकाला जा सकता है एंड लास्ट कंडीशन इज वो उनका ऑफिशियल पोजिशन को गलत तरीके से यूज करेंगे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होगा इन ग्राउंड में भी हो सकता है चेयरपर्सन एंड केस ऑफ रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ फिजिकली और मेंटली इनके एक्वाइरिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड एबूजल ऑफ ऑफिशियल पोजिशन देस शुड बी हार्ड बिफोर इवोल फ्रॉम ऑफिस सो नॉर्मली पाँच ग्राउंड है निकलने के लिए उनको निकालने के लिए लेकिन उनमें तीन ग्राउंड में जब निकाला जाएगा तो उनको सफिशेंट टाइम दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वो अपना फेक्ट रख सके तो क्या क्या कंडीशन है फर्स्ट इज फिजिकली और मेंटली इनकेपेसिटी एक ग्राउंड में जब निकाला जाएगा सेकेंड इज जो वो कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट कि उनका ऑफिस के अगेंस्ट में होगा इन तीनों केस में जब उनको निकाला जाएगा रिमूव किया जाएगा तो उनको दिया जाएगा कि वो अपना बात रख सके लेकिन इंसॉल्वेंसी केस में और कन्विक्सन केस में उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जाएगा डायरेक्ट उनको ऑफिस से रिमूव किया जाएगा So, section 16 provides restriction on employment after cessation of office. So, after ceasing to hold office, the chairperson or a member shall not accept any employment or be a part of the management in any organization or company which has been associated with any work done or contracted out by the authority during their tenure. सो नॉर्मली चेयरपर्सनल मेंबर का ट्रेनर होता है तीन साल तीन साल के बाद जब वो ऑफिस को सीज करेंगे तो चेयरपर्सनल मेंबर कोई कंपनी में और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं या उनका मैनेजमेंट का एक पार्ट नहीं हो सकते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में उनका ट्रेनर में कुछ काम दिया गया हो और कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो

स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अथोरिटी और एनी गवर्नमेंट और कॉरपोरे सो नॉर्मली दिसन इज फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइज एंटिटी, लेकिन वो मेम्बर्स और चेयरपर्सन चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में लोकल अथॉरिटी में और स्टैचुररी बॉडी अथॉरिटी में कॉरपोरेशन में भी वो एम्प्लॉमेंट ले सकते हैं फर्दर देश गिव एडवाइस टू एनी बॉडी यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज ऑप्टेन चेयरपर्सन और जब वो चेयरपर्सन थे या मेम्बर थे उन टाइम में वो जब एक्वायर किया हो ऑन दैट बेसिस वो कोई एडवाइस भी किसी को नहीं दे सकते सो नॉर्मली दे आर फॉरबिडेड टू टेक एम्प्लॉयमेंट और टू बी ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट लेकिन दे आर अलाउड का काम है जो मीटिंग होगा अथॉरिटी का उनको प्रेजाइड करना और रेगुलेशन के द्वारा जो भी पावर एंड फंक्शन प्रिस्क्राइब किया जाएगा उनको एक्सरसाइज करना और डिस्चार्ज करना सो मेनली हिज पावर एंड फंक्शन विल बी प्रिस्क्राइबड बाय द रेगुलेशन देन सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी अथॉरिटी so, का एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जाएगा उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे सो so, जो सीईओ है उनका रैंक एडिशनल सेक्रेटरी से बिलो नहीं होगा दी ओ सेल्वरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अथॉरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और उनका काम क्या है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अथॉरिटी

जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट उनको प्रिपेयर करना और जितना भी ऑफिसर्स एम्प्लॉइज है उनका एडमिशरी काउंटर रखना और सब सीओ का काम है सेक्शन 19 दैट अथॉरिटी शैल मीट एट सर्च प्लेस एंड एट सर्च टाइम एंड शैल ऑब्जर्व रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर द बिजनेस एज स्पेसिफाइड रेगुलेशन सो अथॉरिटी कितना बार मीटिंग करेगा कहाँ पे मीटिंग करेगा कौन सा रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करेगा फॉर ट्रांसन ऑफ बिजनेस वो सब एक रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया जाएगा इफ द चेयरपर्सन अनेबल टू अटेंड अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी द सीनियर मोस्ट द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी तो नॉर्मली जो तो मीटिंग हुआ उनमें चेयरपर्सन प्रिजाइड करेंगे जो फॉर एनी रीजन चेयरपर्सन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो मीटिंग को प्रिजाइड करेंगे ऑल डिसन ऑफ द मीटिंग सेल डिसाइडेड बाय मेजोरिटी वोट सो मीटिंग का जो डिसन होगा वो तो सब मेजोरिटी वोट में डिसाइड किया जाएगा ऑल डिस ऑफ द अथॉरिटी सेल वी साइन बाय द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर और द मेंबर सेक्रेटरी अथोराइज बाय द अथॉरिटी तो जो डिसन होगा अथॉरिटी का मीटिंग में नॉर्मली उनको चेयरपर्सन साइन करेंगे और जब कोई मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी को असाइन किया जाएगा तो वो भी साइन कर सकते हैं नॉर्मली सेक्रेटरी कौन होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इफ हु इज अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी एंड हैज और, है और इनडायरेक्ट पीकिंग इंटरेस्ट कमिंग फॉर कंसीडरेशन एट ए मीटिंग ऑफ अथॉरिटी ज द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट एट द मीटिंग एंड सर्च डिस्कलोजर सेल बी रिकॉर्डेड इन द प्रोसिडिंग सो जब कोई मेम्बर कोई कंपनी का डायरेक्टर हो और उस कंपनी के बारे में मीटिंग में कुछ डिसीजन लिया गया जा सकता है इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस मीटिंग वो मेम्बर डिस्कलोज करेंगे कि मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरा इंटरेस्ट वही है एंड वो डिस्क्लोजर जो देंगे वो मीटिंग का प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मीटिंग ही विल डिस्क्लोज दैट ही वाज अ मेंबर ऑफ दिस डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी एटसेट्रा एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग्स सेक्शन 20 प्रोवाइड्स दैट नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन द अथॉरिटी कोई डिसीशन लिया गया हो तो उसको इनवेल नहीं किया जाएगा ओनली फॉर द ग्राउंड ऑथोरिटी में वैकेंसी है और ऑथोरिटी का और चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है और प्रोसीजर में भी इरेगुलेटेड है जो इस ग्राउंड में उनको को इन्वेट नहीं किया जाएगा लेकिन जब कोई मीटिंग का प्रोसीजर में इरेगुलेट है जो कि केस का मेरिट को इफेक्ट करता है तो उनको इन्वेंट किया जाएगा नहीं तो जब कोई केस का मेरिट को वो इफेक्ट नहीं करता है तो केस में भी जब भी प्रोसीजर में इरेगुलरिटी हो

First question is Which of the following is not correct on composition of unique identification authority of India? Options are The authority shall have a chairperson. B. The authority shall have two full time members. C. The authority shall have a chief executive officer. D. None of these. So, counts option correct nahi hai related to. Composition of the authority. Answer is B is not correct because there shall be two part time members, not full time members. So, B is not correct. The chairperson and members of the authority must have experience and knowledge of at least how many years in the field of technology, governance, law, development, etc. फाइव इयर्स टेन ईयर्स थ्री ईयर्स और सेवन ईयर्स एंसर इज एटलीस्ट टेन ईयर होना चाहिए चेयरपर्सन एंड में अथॉरिटी ऑथोरिटी का जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स है उनका टेन्य के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए They shall hold office for a period of three years. B. They shall be eligible for reappointment. C. They shall not hold office after the age of 65 years. D. All of this. Answer is all of this. When the chairperson or members of the authority shall be removed from office on ground of conviction in any offence involving moral turpitude, shall he be given opportunity to represent his fact? yes or no? no. in such case, they will not be given opportunity to represent their fact. which of the following is not correct?

They can accept any employment under the central government or a state government or a local authority or in any statutory body. Answer is so which option correct Answer is this the answer because the restriction is for three years, not for five years. Who will be the legal representative of the authority? Chairperson chief executive officer or either of these? Answer is, chief executive officer or CEO is the legal attorney of the authority. Who will preside over the meetings of the authority and exercise and discharge powers and functions of the authority? Chairperson, chief executive officer, either of these?